हाँ जी बेटा, टुडे वी विल स्टार्ट डूइंग द स्टेटमेंट क्वेश्चन फ्रॉम एक्सरसाइज 4.3 बेटा, द स्टेटमेंट क्वेश्चन फ्रॉम द चैप्टर क्वाड्रेटिक। ओके, फर्स्ट द क्वेश्चन नंबर इज फिफ्थ मेरे पास जो है फ्रॉम एनसीईआरटी पेज नंबर 88 बेटा। इन अ क्लास टेस्ट द सम ऑफ शिफालीज मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश इज 30 डिग्री। मेरे पास जो है मार्क्स ऑफ शिफाली जो है इन मैथ्स प्लस इंग्लिश दैट इज 30 डिग्री। ओके, हैड शी गॉट टू मोर मार्क्स इन मैथ्स, अगर वो कहते हैं कि मैथ्स में दो और मार्क्स ले लिए जाएं और इंग्लिश में जो है 3 मार्क्स लेस कर दिए जाएं, तो उनका जो प्रोडक्ट है वो 210 है, मुझे ये दिया गया। और उन्होंने कहा कि फाइंड हर मार्क्स इन टू सब्जेक्ट्स, अब उन्होंने कहा टू सब्जेक्ट्स में मार्क्स फाइंड आउट किया जाए। अब बेटा लेट हम मान लेते हैं लेट मैथ्स मार्क्स, कोई बच्चा इंग्लिश लेट भी कर सकता है, मैथ्स मार्क्स बी एक्स, तो मेरे पास देयर फोर इंग्लिश मार्क्स कितने आ जाएंगे 30 माइनस एक्स। ओके बेटा, तो अब मेरे पास जो है यहाँ पर जो है अकॉर्डिंग टू दिस मैंने ये कंडीशन लेनी, वो कहता अगर मैथ मार्क्स को 2 इंक्रीज कर दिया जाए, इंग्लिश मार्क्स को 3 डिक्रीज कर दिया जाए, तो उनका प्रोडक्ट जो है वो 210 होता है। आई विल शो यू वेट। ओके, तो 200 जो है 10 होता है, तो यहां से क्वाड्रेटिक बन जाएगी हमारी, दैट इज एक्स प्लस 2 और माइनस एक्स प्लस 27 इज इक्वल टू 200। तो यहां से x की वैल्यू कैलकुलेट कीजिए और मेरे पास जो है वो आंसर कैलकुलेट कर दीजिए। ठीक है बेटा, अब मेरे पास जो है यहाँ से 2 मार्क्स आएंगे। अब बेटा 2 मार्क्स जो है अगर कोई x नेगेटिव आता है तो उसको रिजेक्ट कर दो, ठीक है, अगर वो पॉजिटिव आ रहा है, दोनों पॉजिटिव आ रहे हैं, तो दोनों केसेस को लेके चलो। ओके, ये डिपेंड करता है क्वेश्चन पे, रिजेक्ट करना है कि नहीं करना है। मार्क्स कभी नेगेटिव नहीं होते, तो ऑब्वियस है नेगेटिव आंसर आएगा तो वो रिजेक्ट हो जाएगा। क्लियर टू एवरीवन, सबको बात समझ आ गई बेटा ये? ओके दैट्स गुड। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 6 बेटा, व्हाट दे हैव मेंशन इन क्वेश्चन नंबर 6, लेट अस सी। क्वेश्चन नंबर 6 में मेरे पास क्या है बेटा, द डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगल फीट इज 60 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड। जो है डायगोनल जो है वो 60 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड है, 60 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड। ओके जी, ये डायगोनल की बात हो रही है। नाउ व्हाट इज रिटन देयर, इफ द लॉन्गर साइड इज 30 मीटर मोर देन द शॉर्टेस्ट साइड। अब लॉन्गर साइड जो है उसने बात की है 30 मीटर मोर देन द शॉर्टेस्ट साइड गए, तो उन्होंने कहा फाइंड द साइड ऑफ द फील्ड। अब ऑब्वियस है रेक्टेंगुलर फील्ड की बात हो रही है ना, रेक्टेंगुलर फील्ड में क्या होता है मेरे पास, देखिए रेक्टेंगुलर फील्ड बात करूं, ये डायगोनल, ये लॉन्गर साइड, ये शॉर्टेस्ट साइड, ये दोनों चीजें किस पे डिपेंड कर रही, शॉर्टेस्ट साइड पे, तो मैं शॉर्टेस्ट साइड को एक्स यूनिट्स ले लू, ठीक है, सेंटीमीटर मीटर जो भी दिया हुआ है, आपको मीटर में बात हो रही है तो मीटर में लोगे, तो टेक केयर मीटर। ओके, लॉन्गर साइड इज 30 प्लस एक्स, डायगोनल इज 60 प्लस एक्स। क्लियर, तो अब बेटा हम क्या करेंगे यहां पर, व्हाट वी विल डू हियर, मेरे पास जो है पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे क्योंकि ये 90 डिग्री। क्लियर, तो अब जब पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो मेरे पास क्या हो जाएगा, 60 प्लस एक्स का स्क्वायर 30 प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम लगाओ एंड यू विल गेट योर आंसर। बात समझ आई बेटा सबको, कोई डाउट तो नहीं यहां पर बेटा किसी को, एनी डाउट टू एनी वन, चले बेटा आगे चलिए।
Let us move toward question number 7. The difference of the squares of the two number is 180. दो numbers के difference का square जो है वो 180 है. Obviously difference बड़े में से छोटा होता है, ये बात याद रखना. अब बेटा मेरे पास the square of the smaller number, the square of the smaller number यानी y square मेरे पास जो है is जो है 8 जो times the larger number, वो 8 times the larger number. सिंपल. तो अब वाई स्केयर को रिप्लेस कर दें, एक्स स्केयर माइनस 8x माइनस 180 इक्वल टू 0 काम कर रहा है. ओके, सबको बात क्लियर हो गई. चलो स्पीड वाला क्वेश्चन मैंने कल भी कराया था. चलिए ऑल ऑफ यू डू एंड शो मी ऑन योर स्क्रीन जल्दी जल्दी. आई एम गिविंग यू द टाइम. ओके, एंड यू हैव टू शो मी द क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन. जल्दी जल्दी मैं देखती हूँ कौन बच्चा पहले करता है. फटाफट स्पीड वाला क्वेश्चन हमने कल भी किया था बेटा, जल्दी करो. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बेटा मैं ब्लैकबोर्ड पे करने लगी हूँ. एज यू आर नॉट रिस्पॉन्डिंग मी, तो लेट अस डू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 8 मेरे पास हो गया बेटा. क्या करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 में? अ ट्रेन ट्रेवल्स 360 किलोमीटर. मेरे पास हो गए ट्रेन जो है 360 किलोमीटर चलती है एट ए यूनिफॉर्म स्पीड. दैट मींस डिस्टेंस दे दिया है 360 किलोमीटर. इफ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर मोर, अगर स्पीड को 5 किलोमीटर मोर कर दिया जाए, इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस. तो उसने कहा टाइम को 1 घंटा कम कर दिया जाता है. फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन. ऑब्वियस है स्पीड की बात हो रही है, तो स्पीड को ही लेट करेंगे हम लोग जो है. तो लेट अस डू दैट. मेरे पास हो गए तो बेटा यहां पर मेरे पास हो गए लेट द यूजुअल स्पीड दैट इज एक्स, इंक्रीज्ड स्पीड एक्स प्लस 5. ठीक है, अब टाइम का डिफरेंस ये है ना, अगर स्पीड x है तो टाइम, क्योंकि स्पीड होता है डिस्टेंस ओवर टाइम, तो टाइम क्या होगा? डिस्टेंस ओवर स्पीड. तो यहां पर गुड संयम मैं देख रही हूं, एक सेकेंड. तो टाइम मेरे पास क्या होगा? डिस्टेंस तो यही है और स्पीड x. यहां पर टाइम क्या हो जाएगा? 360 / x + 5. अगर स्पीड ज्यादा हुई, स्पीड ज्यादा हुई ना यहां पर, तो दैट मीन्स ये क्वांटिटी जो है स्पीड ज्यादा होगी तो टाइम कम लगेगा. दैट मीन्स 360/x + 5 - 360/x द आंसर विल बी 1. हमने कल भी ये किया था, देखते हैं भानु और संयम ने कैसे किया है. लेट अस सी. आई एम रिप्लेसिंग द पिन. बेटा आपने उल्टा नहीं ले लिया? देखिए अगर देखिए संयम, यू हैव टेकन द ऑपोजिट. बेटा मेरे पास जो है, क्योंकि स्पीड इंक्रीज करूंगी, स्पीड इंक्रीज करूंगी तो टाइम मेरे पास जो है कम लगेगा. ओ यस, मैंने गलत लिख दिया. वेट, हाँ जी मैंने -1 उधर लगना था. 360 / x इसको करेक्ट कर लीजिए बेटा, या पिछली वाली स्टेटमेंट में इक्वल टू -1 डाल दीजिए. कल भी मैंने ये बात बताई थी. कि जब प्लस आता है तो वो बाद में लिखा जाता है, माइनस वाला पहले. ठीक है जी, भानु दिखाइए, शो मी. यस ठीक है बेटा, बिल्कुल करेक्ट है. हाँ जी बेटा, नाउ लेट अस डू. आप ऐसे भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. मैं आपको बता दूं,
बस एक चीज करना, इफ यू आर डूइंग दिस टाइम नेगेटिव हो जाएगा, माइनस वन आ जाएगा, फर्क कोई नहीं पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि हमने वो क्या कर दिया, बेसिकली बड़ा वाला पीछे लिख दिया, तो माइनस वन लिख दीजिए, कोई उसमें इतनी बड़ी बात नहीं होगी। क्लियर? चलिए बेटा, नाउ लेट अस डू द नेक्स्ट नाइन्थ क्वेश्चन। वेरी डिफरेंट फ्रॉम ऑल द क्वेश्चंस, बच्चों को समझ ही नहीं आता है कि ये क्या होता है। अच्छा मैं आपको बताती हूँ अभी इसमें क्या हो, ये कैसा कॉन्सेप्ट है। हम कोई भी काम करते हैं ना, कोई भी काम, उस काम को वन मान के चलते हैं, ठीक है। अब मान लो एक्स पीपल है, एक्स लेबर है, दैट इज डूइंग वन वर्क, तो वन लेबर का काम वो क्या हो जाएगा, वन बाय एक्स, ठीक है बेटा। वन लेबर का काम क्या हो जाएगा, इसलिए हम रेसिप्रोकल करते हैं, क्योंकि वन लेबर का काम करने को अगर वो इतने डेज लगाते हैं या इतना कुछ करते हैं, तो टू एक्स पर्सन कितना काम करेंगे। यही कॉन्सेप्ट टैप के केस में यूज होता है। लेट अस सी व्हाट दे आर रिटन हियर। टू टैप्स जो है, वाटर टैप्स, एक सेकेंड बेटा, हाँ जी बेटा, तो लेट अस डू नाउ, यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन अगर कोई होगा, क्योंकि माइक की अब ऑडिबल मेरे को होगा, आपकी आवाज ऑडिबल होगी बेटा। तो अब क्वेश्चन नंबर नाइन्थ जो है मेरे पास, व्हाट इज रिटन हियर, टू वाटर टैप्स टुगेदर कैन फिल अ टैंक इन 9 3/8 आवर्स। मैंने जो है दो टैप से, ठीक है, पानी भर रहा है एक टैंक पे, ओके, ये मैंने टैप्स बना दी, यहाँ पानी भर रहा है एक टैंक पे फिल कर रहा है, दोनों जब कंबाइन चलाते हैं तो मेरे को टाइम लगता है 9 3/8 आवर्स, ओके। द टैब ऑफ द लार्जर डायमीटर, अब एक लार्जर डायमीटर हम इसको थोड़ी बड़ी बना देते हैं, ये लीजिए, ठीक है जी। द टैब ऑफ द लार्जर डायमीटर जो है वो टेक लेस जो है देन द स्मॉलर वन टू फिल द मेरे पास जो है टैंक सेपरेटली, ये 10 आवर्स कम लेती है, That is taking 10 hours, जो है less, उन्होंने कहा find the मेरे पास जो है time in which each tap can separately fill the tank, वो कहता separately वो कितना लेती है, हमने वो लिखा, clear cut है। अगर मैं लू time taken by the smaller tap with diameter smaller, वो मैं x ले लू, तो इससे कितना लेंगे, x minus 10। अब मुझे तो वन वर्क का टाइम निकालना होता है बेटा, इसीलिए यहां पर 1/x + 1/x - 10। बेटा ये टाइम भी, ये तो पूरे काम के लिए ना, पूरे काम को हमने वन माना, तो हमने ये देखना है ना कि पूरे काम को करने को अगर इतने आवर्स लगते हैं तो एक आवर में वो कितना काम हो रहा है, तो उसका क्या करेंगे, रेसिप्रोकल। ये बच्चे करना भूल जाते हैं बेटा, बात क्लियर हुई। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि एक्स वुमेन्स कैन डू वन वर्क इन वन डे, तो वन वुमेन कैन डन वन बाय एक्स, ऐसे ही मुझे एक पूरे टैंक को फिल करने को अगर मान लो एक्स आवर्स लगते हैं, तो वन आवर में कितना फिल होगा, वन बाय एक्स, तो वो ही मैंने कॉन्सेप्ट किया, क्योंकि दोनों का सेपरेटली वन वन आवर का लूंगी और पूरे टैंक का भी वन आवर में कितना फिल होता है, तो तभी मैं उनको कंबाइन कर सकती। समझ आई बेटा बात, सबको क्लियर हुआ ये बात, कोई डाउट तो नहीं किसी को भी, उसके बाद एलसीएम ले लीजिए एंड यू विल गेट योर आंसर, क्वाड्रेटिक बनेगी, फिर वही टाइम कभी नेगेटिव नहीं होता, नेगेटिव को रिजेक्ट कर दो और यू विल गेट योर आंसर, ओके। चले बेटा आगे, चलिए ठीक है, यही क्वेश्चन था जो सबको प्रॉब्लम आती थी। नेक्स्ट अगेन स्पीड का है क्वेश्चन, ठीक है, दैट यू हैव टू डू योरसेल्फ, हमने बहुत सारे क्वेश्चंस कर दिए हैं। फिर उसके बाद जो है सम ऑफ एरियाज ऑफ टू स्क्वायर है मेरे पास, सम ऑफ एरियाज जो है, सम ऑफ एरियाज ऑफ टू स्क्वायर इज 468 मीटर स्क्वायर,
ठीक है, तो दैट मींस मेरे पास एरिया ए वन एरिया ए टू 468 मीटर स्क्वायर। इफ द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर difference of their perimeter is 24 meter. Find the sides of the two squares. हमने दोनों स्केयर की साइड निकालनी। अब स्केयर का एरिया मेरे पास क्या होता बेटा? That is side square. एक का x मान लू एक का y मान लू, ठीक है जी। perimeter 4 into side, तो मेरे पास 4 into x minus 4 into y 24, x minus y is 6. तो y की वैल्यू निकाल लें 6 माइनस एक्स, फिल कीजिए, अपने आप क्वाड्रेटिक बन जाता बेटा, अपने आप। ओपन इट एंड मेक इट क्वाड्रेटिक, यू विल गेट योर आंसर। समझ आई बेटा सबको? कोई डाउट तो नहीं किसी को भी? ठीक है जी, दिस कंप्लीट्स आपका जो है स्टेटमेंट क्वेश्चन फ्रॉम 9.4.3। ठीक है, 4.4 में उन्होंने कहा है कि बताइए पॉसिबल है कि नहीं है, है बहुत इजी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन। बस आपने क्या करना है, स्टेटमेंट क्वेश्चन बनाओगे, क्वाड्रेटिक बनाओगे, डी चेक करोगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac। जब आप चेक करोगे डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, अगर वो नॉन रियल रूट्स आते हैं, लेस देन जीरो आता है, तो आप कहोगे ये सिचुएशन पॉसिबल नहीं है। अगर डी आपका ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा तो आप कहोगे वो पॉसिबल है, बस काम खत्म। समझ आ गई बेटा सबको? कोई डाउट तो नहीं किसी को भी यहाँ पे? ठीक है, अब आपका काम है, अगर मंडे को आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्वेश्चन में आती है तो हम वो करेंगे मंडे को, नहीं तो एक्स्ट्रा स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस वी विल डू इट ऑन मंडे। बी रेडी विद योर प्रॉब्लम। ठीक है, कोई भी कुछ क्वेश्चन है इसके की मार्क्स इंक्रीज होते हैं एक में, तो या नंबर ऑफ पर्सन इन ए रो, अगर मैं हर एक में दो कर दूं तो उसमें लेस हो जाता है, नंबर ऑफ रोज कम हो जाती हैं, ऐसे कुछ क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे मंडे को। ठीक है जी, टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर बेटा।